नमस्कार, आकिब सिभन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग बेलवा के क्षेत्र में मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय बेलवा में हजारों की संख्या में कांवर यात्रियों का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचना चालू हो चुका है। जी हाँ, पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। इस समय हम कांवर यात्रियों का पूरा तस्वीर दिखा पा रहे हैं। यहाँ कर अरे राज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये बागमती का तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। पास का क्षेत्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर का जो पास का जो क्षेत्र पड़ता है वो देवापुर पड़ता है। देवापुर के तरफ से नियंत्रण कक्ष है। देवापुर का जहाँ से रास्ता चालू होता है वहाँ बनाया गया है। दूसरे छोर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर का छोर हम आपको दिखा दें। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जहाँ पर वो टेंट दिख रहा है वहाँ पर सीवर जिले का नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तो वहाँ पर भी सारी कांवर यात्रियों के लिए सारा सामग्री का व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ पर भी बहुत सारे कांवर यात्री रुक रहे हैं, मगर यहाँ के अभी जब यहाँ हम मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि हजारों की संख्या में इस समय बेलवा में कांवर यात्री पहुँचने लगे हैं। और थोड़ी सी दुकानों की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि दुकानों की भी तस्वीर आप देख लीजिए। इस समय दुकान सारी अब सज चुकी है कांवर यात्रियों के लिए। दुकानदारों से भी हम कुछ बातचीत करेंगे, मगर ये पहले आपको ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि जलबोझी कर अब यहाँ से वे मोतिहारी के रास्ते अरेराज के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। हजारों की संख्या में इस समय कांवर यात्री बेलवा में मौजूद है और जलबोझी कर रहे हैं, और जलबोझी की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे। इधर थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जलबोझी के लिए वहाँ पर बैरिकेटिंग बनाया गया है कि वहाँ पर जो भी लोग जलबोझी करेंगे बैरिकेटिंग से आगे नहीं जाएंगे। और दूसरे छोर की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर सारे कांवर यात्री मौजूद है जो जलबोझी कर बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारे कांवरियों का आना बाकी है, मगर जितने लोग आ रहे हैं यहाँ से जलबोझी करके आगे के लिए प्रस्थान कर दुकानों की तरफ चलेंगे। दुकानों की भी थोड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आगे चल रहे हैं क्योंकि यूं कह ले कि एक बार फिर कांवर यात्रियों को लेकर सारी दुकानें इस समय सज चुकी है। और थोड़ा दुकानदारों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भज्जू कुमार सहनी जी। कहाँ के रहने वाले? बेलवा घाट। बिक्री उक्री सब चल रहा है? चल रहा है, जैसे लोग आ रहा है वैसे बिक्री हो रहा है। कांवर यात्री लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, जो सुबह में आते हैं और जल भर के चले जाते हैं। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय दुकानें सज चुकी है। तमाम सामग्रियां जो कांवर यात्रियों के लिए जो जरूरियात के सामान है वो यहां पर आपको मिल रही है। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय दुकानें अब सज चुकी है और हजारों की संख्या में कांवर यात्रियों का बेलवा में जलबोझी के लिए आना अब शुरू हो चुका है। तो शिवहर से आप देखेंगे आकिब राजा की रिपोर्ट।
आना चालू हो चुका है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इस समय बेलवा में मौजूद है और डैम के पास ये वाला क्षेत्र है जहां पर कांवर यात्रियों के लिए सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष से लेकर तमाम सामग्रियों के लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है कि इससे आगे अगर जो भी कांवर यात्री अगर यहाँ आते हैं तो अगर उनको अगर जलबोझी करना है, अगर यहाँ से अगर वो नीचे जाएंगे तो एक बैरिकेटिंग के तौर पर कहे कि यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है कि इसे आगे ना जा पाए, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है। तो पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ की सामने की तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहाँ पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कुछ दुकानदारों की भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। कुछ दुकानदार यहाँ पर दुकान लगाए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, मगर पहले पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। लाइट उट की आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। यूं कह ले कि हजारों की संख्या में कांवर यात्रियों का बेलवा में जलभोजी करने के लिए लगातार अब आना शुरू हो चुका है। यहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आगे की तरफ थोड़ा सा और हम दिखाएंगे तस्वीरें, जो आगे का जो क्षेत्र पड़ता है वो शिवहर जिले तक ही आता है, मगर दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है वो पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ के लिए वहाँ अलग नियंत्रण कक्ष देवापुर में बनाया गया है, मगर यहाँ की भी पहले हम तस्वीरें आपको दिखा दें। आगे की तरफ ले चलेंगे, हमारे कैमरामैन थोड़ी सी आगे से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो नियंत्रण कक्ष है जो कांवर यात्रियों के लिए यहाँ पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। कुछ हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कांवर यात्रियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत माली नाम हुआ मेरा जी। बताइए, कांवर यात्रियों के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ का व्यवस्था किया गया है? सर, कांवर यात्रियों के लिए यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मतलब के नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो तुरंत संपर्क कर सकते हैं और उनको भरपूर इन्हें सहायता की जा रही है ताकि किसी प्रकार से उनको तकलीफ नहीं हो। चलिए धन्यवाद। तो और एक साथी है, बातचीत कर दे। क्या नाम हुआ? राजीव रंजन। राजीव जी बताइए क्या क्या यहाँ पर है? यहाँ व्यवस्था यही है कि जो कंवरिया आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का लाइटिंग से लेकर दिन रात यहाँ कंवरिया आएंगे जाएंगे तो नियंत्रण कर इसीलिए बनाया गया है कि किसी कंवरिया किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ना कोई जोखिम हो, ना कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत होने पर तुरंत सुविधा उसको मुहैया कराई जाए। चलिए धन्यवाद। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, हम नियंत्रण कक्ष से बातचीत कर रहे थे कि क्या 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 यहाँ पर व्यवस्था है। थोड़ी आगे